दोस्तों मैं हूँ अखिल भारत और आप देख रहे हैं एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी क्रिएटिव चैनल। दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक्वाडट का फिल्टर जो कि आरओ सर्विस किट हमने लगभग 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो ये जो सर्विस किट है वो आज भी चल रहा है। तो दोस्तों ये रहा आरओ सर्विस किट पूरी तरह से, ये है एक्वाडट का, आप देख सकते हो यहाँ पर इसका नाम है एक्वाडट। एक्वाडट का जो है ये पूरी तरह से आरओ सर्विस किट मैंने लगभग 1350 रुपये के आसपास बिठाया था, अब 150 इधर उधर हो सकते हैं आज की डेट में। तो ये जो फिल्टर जो किट है एकदम जबरदस्त मेरे को लगा, क्योंकि आज इसको 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं लेकिन ये अभी तक आज तक चल रहा है। इसके अंदर की जो जाली होती है स्पंज मैंने लगभग 3 से लेकर 4 बार इसको चेंज किया है, इसकी भी आई थी 2 और हमने जो बाकी का जो है एक आफ्टर मार्केट इसको 4 बार इसको अब तक चेंज किया है, और ये चेंज करना भी चाहिए हर 6 महीने लगभग, ये 2-3 महीने के अंदर चेंज करना होता है लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। मैंने 6 महीने के बाद मेरे को जैसा याद आता है वैसे मैं इसको चेंज करता हूँ, क्योंकि इससे जो है इस फिल्टर की पूरी तरह से लाइफ बनी रहती है। इसके अंदर स्पंज आता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये एक्वाडट के अंदर क्या क्या मिला मैं फिर से एक बार बताता हूँ। ये जो है ये देखिए, ये सेडिमेंट फिल्टर मिला है, ये प्री कार्बन फिल्टर मिला है, और इसको भी मैं इधर कर लेता हूँ, ये कौन सा है, पोस्ट कार्बन फिल्टर है, ये भी उसी किट में आया था, ये तीनों भी हैं उसी किट में आया था, इसके अंदर की जाली उसी किट में आया था, और पाइप भी बहुत सारे आए थे इसके अंदर, और ये रिस्ट्रिक्ट फ्लो ये भी आया था इसी के अंदर। ये जो है पूरी तरह से मेम्ब्रेन जो है जो इसका सबसे मेन पार्ट है ये मेम्ब्रेन भी इसी के अंदर, और ये जो है मिनरल वाटर इसके अंदर ये आया था, और ये जो है इसको क्या बोलते हैं यूएफ मेम्ब्रेन ये भी इसके अंदर ही आया था। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं लेकिन मेरे को ठीक से याद नहीं, लेकिन एक किट मंगाने के बाद आपको पाइप वगैरह कुछ मंगाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, कपलर वगैरह ये सारी चीज़ें लॉक वगैरह इसके अंदर ही आती हैं सब कुछ। मतलब आपका अगर मोटर सिर्फ अगर मोटर चालू है और सॉलिनाइड वाल्व अगर चालू है तो आप बस इसको इंस्टॉल कर देना, चार्जर वगैरह वो पुराना ही है, ये वाले सब पुराने हैं, ठीक है, ये भी पुराना है, लेकिन ये जो किट है पूरी तरह से आता है इसके अंदर। तो अगर आप ये किट मंगाएंगे तो आपको आफ्टर मार्केट कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं, आप बस इसके अंदर इंस्टॉल कर दो चलेगा। तो इसको 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और ये आज भी वर्किंग कंडीशन में है। देखिए इसके अंदर मेरे, मैं जैसे ही फिल्टर को हाथ लगा रहा हूँ मेरे हाथ पे जाली आ रही है, लेकिन ये मोबाइल से दिख नहीं रहा है, ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो मीटर को है मैंने बहुत दिन हाथ नहीं लगाया, इसके ऊपर भी जाली है, मैं आपके सामने ही निकल रहा हूँ और आज हम इसका टीडीएस चेक करेंगे। ये देखिए ये पूरी तरह से जाली से भरा है, ये देखिए कितना गंदा हो चुका है। चलिए हम अब इसको लाइव चेक कर लेते हैं। कैमरा बीच में रख देता हूं, हाँ, तो हमने ये टीडीएस मीटर निकाल दिया। सबसे पहले हम मेन पानी चेक कर लेते हैं 2 साल के बाद कैसे टीडीएस आ रहा है। मेन पानी चेक कर लेते हैं, इसको ऑन कर लेते हैं। 8 महीने के बाद यह पहली बार मैं ऑन कर रहा हूँ, क्योंकि 8 महीने पहले वीडियो बनी थी। और ये जो ऊपर है ये क्या है, पीपीएम है यहाँ पर, पीपीएम, ठीक है, ये पीपीएम है यहाँ पर पीपीएम। चलिए इसको डाल दिया, इसको होल्ड कर लेता हूँ, होल्ड कर लिया, तो बाहर आके देखते हैं ताकि आपको ठीक से दिखे। ये देखिए 422 ppm का पानी है, 422 ppm, ठीक है, ये 422। अब इसको होल्ड कर निकाल देता हूँ, 422 आपने देख लिया, मतलब मेन जो हमारा सोर्स है वो 422 का आ रहा है। अब फिल्टर का पानी चेक कर लेते हैं, ये है फिल्टर का पानी जो ये 422 से कितना दे रहा है हमको देख लेते हैं इसको। ये देखिए अब 0-0 है, इसको डुबो देता हूँ और इसको होल्ड कर लेता हूँ। होल्ड करने के बाद आप देख सकते हो एक, मतलब 119 है, रोशनी के अंदर मैं दिखाता हूँ यहाँ पर दिख रहा है आपको 119, मतलब 422 से 119 पीने लायक पानी बना रहा है। और गंदे पानी की बात करेंगे तो ये है यहाँ पर का गंदा पानी, एकदम गंदा पानी, मतलब वेस्टेज पानी है ये फिल्टर का। कैसे करूँ मैं एक हाथ से,
ओके, ये वेस्टेज पानी है, ये है 0-0, इसके अंदर डुबो दिया, होल्ड कर लिया, थोड़ी देर रुका नहीं, ये 471 है, मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं, 471, ठीक है। तो ये इसका रिजल्ट है, मैंने आप मतलब डायरेक्ट लाइव दिखाया, मैंने इसको इसके पहला कुछ खोला नहीं, कुछ देखा नहीं, ये कुछ नहीं, और लाइव आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। इसको ऑफ कर दिया, बस यही है कि आर ओ सर्विस किट लगभग 2 साल हो चुके हैं और हमारे जो यहाँ का है भरपूर घटिया पानी है, जो कि नमक ज़्यादा आता है, इसके अंदर क्षार ज़्यादा होता है, तभी ये काम कर रहा है अच्छी तरह से, वर्किंग कंडीशन में है, और इसको आप बिल्कुल मंगा सकते हो, क्योंकि हम देखते हैं कि हम दूसरों का फिल्टर बार बार ख़राब होता रहता है, लेकिन ये जब से हमने लाया तब से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एक बार बिठा दिया, आप पिछले जाके वीडियो देख लो, बस यही लोकेशन है और यही तरह से इसी तरह से चल रहा है, ठीक है। वही आर ओ सर्विस किट है जो हमने लगभग 2 से लेकर 2.5 साल होते आ चुके हैं इसको। और पानी की बात करें तो देखिए हम हर रोज़ पानी भरते हैं इसके अंदर, अब ये पानी कितना है मेरे को दिख नहीं रहा, यहाँ तक है 6 लीटर का पानी है अभी तक, ठीक है। तो इस तरह मैंने सेटअप बना दिया ताकि इसका फायदा ये है कि हम इसको साफ कर सकते हैं, अगर ये इसके अंदर फिटिंग कर दिया तो प्रॉब्लम आता। और ये कैसे बना इसका भी आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, आप देख लेना। तो इसको अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हो, बहुत सारे लोगों ने इसको खरीदा है, आप इसको खरीद सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बहुत अच्छा किट है, आप मंगा के बिल्कुल बिंदास इंस्टॉल कर दीजिएगा।